तो दोस्तों नमस्कार और आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे दो ऐसे फंडामेंटल साउंड स्टॉक्स के बारे में, जो कि अगर हम बिजनेस परस्पेक्टिव से बात करते हैं या हम देखते हैं कि उनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो दोनों ही दिग्गज स्टॉक्स हैं अपने अपने सेक्टर के। लेकिन ये वीडियो बनाने का जो कोर पर्पज है वो यही है कि इस वक्त इन दोनों स्टॉक्स में अभी फिलहाल आप खरीदने से बचें, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपको बेहतरीन लेबल्स मिलेंगे। अगर आप उन लेबल्स पर खरीदते हैं स्टॉक्स को, सो डेफिनेटली आपको बड़े मुनाफे और बड़े शानदार प्रॉफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपको लेबल्स से चूक सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप लोग गलत लेबल्स पर खरीदने के लिए संभावित है कि आप गलत लेबल्स पर उनको खरीद भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो स्टॉक्स हैं, एक टाटा ग्रुप का है और दूसरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ है। टाटा ग्रुप का ऐसा टाइटन है और सभी जानते हैं टाइटन में जो मिस्टर राकेश झुंझुनवाला एक बड़ी होल्डिंग रखते हैं, लेकिन इस समय 777 पे प्राइस पर अभी टाटा टाइटन चल रहा है। हालांकि टाइटन में जब ये 890 के लेवल पर था तब भी मैंने जो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स पूछे थे तो मैंने उनको बोला भी था कि फिलहाल आपको टाइटन में बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि टाइटन इंडस्ट्रीज अभी आपको लगभग 650 से 660 का लेवल भी दिखाएगा, यानी कि वो एक बेहतरीन लेवल होगा अगर आपको मिलता है। क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि जो लेवल पे हमें डिसाइड करने पड़ते हैं कि हमें किसी स्टॉक को किस लेवल पर खरीदना है, अगर वो लेवल आता है देन खरीदेंगे, अदरवाइज हम इग्नोर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो लेवल नहीं मिल रहा है हमें तो हम जिस लेवल पर चाहें उस लेवल पर खरीद लें। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको तेजी दिखाई दे, लेकिन जब आप होल्डिंग रख के भूल जाते हैं या कुछ समय के लिए उसको इग्नोर कर देते हैं होल्डिंग लेके, फिर सडनली स्टॉक में एक बड़ा फॉल आता है और जिस लेवल पे हम लोगों ने सजेशंस दिए होते हैं, जो लेवल्स उसके एक्चुअल लेवल्स होते हैं बाइंग के, वो उन लेवल्स पर आ जाता है और आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। टाइटन और बायोकॉन भी एक फार्मास्यूटिकल का अच्छा स्टॉक है, बट बायोकॉन में मैं आपसे कहूँगा 639 का भी लेवल चल रहा है। फिलहाल मेरे हिसाब से जो टारगेट रहना चाहिए वो 450 से 460 का बायोकॉन का बहुत ही बेहतरीन लेवल रहेगा अगर वहाँ मिलता है, सो आपको ये स्टॉक ज़बरदस्त मुनाफा देगा। टेक्निकली मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, अभी इस वक्त ये हमारे पास वीकली चार्ट है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो अभी एक सर्टेन रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक की जो सर्टेन रेंज है वो तकरीबन 727 से और लगभग 1000 रुपीज़ की है, यानी कि अभी बॉटम साइड की तरफ आ रहा है। आप यहाँ से देखेंगे ये हायर हाई हायर लो हायर हाई और उसके बाद यहाँ पर लोअर लो नहीं बना पाया उतना, हायर लो ही बनाया, लेकिन सडनली अभी हम लोग अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से शुरू करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये स्टॉक ने यहाँ पर आके इसके नीचे यहाँ पर ब्रेकिंग किया, फिर ऊपर गया एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये उसने जब एक बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेक किया, कंटिन्यूसली फॉल आया, लोअर हिट मारेगा 727 आने वाले टाइम में टाइटन, और 727 एक बार ब्रेक होता है देन डेफिनेटली स्टॉक एटलीस्ट कम से कम, अगर मैं बात करता हूँ 650 का लेवल आपको देगा, कम से कम 600 भी दे सकता है आपको इन अ कमिंग मंथ्स में। एकदम से नहीं होगा, सिचुएशन जिगजैग चलेगी, थोड़ा नीचे जाएगा फिर कुछ रिकवरी दिखाएगा एंड देन उसके बाद कुछ ज़्यादा गिरावट के साथ फिर नीचे आएगा और इस तरह से एक सिनेरियो बनेगा। तो अगले मुझे लगता है 3 से 6 महीने में ये स्टॉक हमें 650 का लेवल दिखा सकता है टाइटन का। मंथली चार्ट पर भी मुझे अभी फिलहाल चार्ट में किसी भी तरह का अपमूव की गुंजाइश नज़र नहीं आती, मुझे लगता है स्टॉक आपको लगभग 635-640 की रेंज में डेफिनेटली अगले 3 से 6 महीने में मिलना चाहिए टाइटन का। सो वो आपका एक बेहतरीन लेवल रहेगा टाइटन का आपको खरीदने का, अगर आप लोग टाइटन को खरीदना चाहते हैं तो। दूसरी तरफ बात आती है बायोकॉन की। देखिए फार्मा सेक्टर वैसे भी अंडर प्रेशर है, अभी कल ही जैसे मैंने आपको एक न्यूज़ भी शेयर की थी कि US कोर्ट ने जो एक रिंगिंग चार्ज होते हैं उसकी जो पिटीशन थी 5 फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, उसको खारिज कर दिया और ये एक नेगेटिव न्यूज़ भी थी। कहीं ना कहीं फिलहाल फार्मा सेक्टर दबाव में है, मंथली चार्ट वीकनेस इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से एक जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका बायोकॉन का तकरीबन 720 का, उस रेजिस्टेंस को पिछले कई महीनों से तोड़ने की कोशिश कर रहा है बट अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर नहीं जा पा रहा और वीकनेस इंडिकेशन हो रही है, हायर लेवल पर ट्रेड कर रहा है अभी। जब कोई स्टॉक पीक पर ट्रेड करता है और वो अपने सर्टेन रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाता है देन ये याद रखिएगा कि चूंकि वो ऑलरेडी हायर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है और एक रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, सो अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। सो बायोकॉन का भी ये हम लोगों ने अगर बात करते हैं मंथ वीकली चार्ट की, तो उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन 720 रुपीज़ का रेजिस्टेंस है, इसका जो सपोर्ट लेवल है सेम चार्ट इंडिकेशन हो रहा है इसका जैसे कि टाइटन इंडस्ट्रीज का 490 और 450 के बीच में तकरीबन
इसका एक बड़ा गैप पैटर्न मेंटेन्ड है 450 और 490 के बीच, लगभग 40 रुपए का गैप, और 40 रुपए का गैप एक बहुत बड़ा गैप माना जाता है दोस्तों। और यहां से आप देखेंगे इस वक्त पीक पर टच करने के बाद जब स्टॉक एक ट्रेंड मेंटेन करता है, और यहां पर देखिए टॉप की तरफ गया, फिर बॉटम की तरफ हिट करने की कोशिश की, फिर टॉप की तरफ ऊपर गया, एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे करेक्शन होता हुआ नीचे आया, एंड देन उसके बाद फिर उसने अपना पीक यानी 720 लेवल हिट किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया उसके ऊपर। और ये चीज़ इंडिकेशन कर रही है फिर एक बियरिश कैंडल शुरू हो गई। और अभी फिलहाल वीकली और मंथली दोनों ही चार्ट पर बायोकॉन भी मुझे वीक लग रहा है। फिलहाल मैं सजेस्ट यही करूँगा कि 450 का लेवल बायोकॉन में बेस्ट का बाइंग लेवल होगा। अगर आप लोग हायर लेवल पर खरीदते हैं तो सडनली अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप जो भी आप उसको समझना चाहें, आने वाले दिनों में आपको 450 का लेवल देखने को मिलेगा। वो हो सकता है 3 महीने में मिले, हो सकता है 6 महीने में मिले, बट मुझे लगता है कि बिफोर जनरल इलेक्शन आपको टाइटन 650 की रेंज में और बायोकॉन 430 से 450 की रेंज में डेफिनेटली मिलना चाहिए, और वो आपके लिए बेस्ट बाइंग लेवल होगा इन दोनों ही काउंटर्स के अंदर। सो ये हमने जिक्र किया ऐसे दो दिग्गज शेयर जो कि अपने मार्केट के लीडर हैं, बट फिलहाल अभी थोड़े से हायर वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर इनके वैल्यूएशन जैसा कि लेवल्स हमने बताया, टाइटन अगर 600 और 650 के बीच में आता तो बेस्ट बाइंग रहेगी, और बायोकॉन अगर 400 से 450 के बीच में आपको मिलता है देन उसकी बेस्ट बाइंग रहेगी। तो इन लेवल्स को याद रखिएगा, नोट डाउन करके रख लीजिएगा, और क्लोजली वॉच कीजिएगा इन दोनों ही दिग्गज शेयरों को। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ अच्छे और दिग्गज शेयर्स के बारे में बात बताएंगे, कौन से बेहतरीन लेवल्स हैं, कौन से खरीदने लायक है। जैसे कि अभी हमने 2 दिनों पहले ही फिनोटेक्स केमिकल पे एक वीडियो पोस्ट किया था जब वो 40 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, हमने बोला था ये स्टॉक वापस एक बाइंग जोन की तरफ आ चुका है, और आप आज देख सकते हैं 14% का सर्किट हिट किया। फर्स्ट टाइम जब हमने फिनोटेक्स केमिकल को आप सभी के साथ शेयर किया था तब वो 30 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, और 30 रुपीज़ के बाद उसने 106 का लेवल टच किया था विद इन 3 मंथ्स के अंदर। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है कि आपको बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकता है आपका अमाउंट को। तो यही हमारी कोशिश रहती है आपको सही लेवल दें, अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकें। मार्केट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अनफॉर्चुनेटली पीछे काफ़ी कुछ महीनों से मार्केट में गिरावट है, स्टॉक्स काफ़ी दबाव में है, प्रेशर में है, बट जैसे ही मार्केट रिकवर हो जाएगा आपके जो भी होल्डिंग्स है, जो भी स्टॉक्स है, जो भी शेयर्स है जो हमने आप सभी के साथ शेयर किए हैं, और उनमें अगर स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए हैं सो डेफिनेटली वो स्टॉक आपको वापस रिकवरी देंगे और आपके बाइंग वैल्यू से भी कहीं ऊपर जाके आपको क्लोजिंग दिखाई देगी। सो अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग के बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, सीखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और अपने पैसे को दिन दुगना और रात चौगना करते रहिएगा दोस्तों। सो जल्दी मुलाकात होगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।